तो जैसा आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि हमने धान काटने का काम किया, मैंने तो नहीं किया लेकिन मैंने वीडियो ही बनाई। तो आज हम जा रहे हैं महाकाल मंदिर। महाकाल जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ के सराउंडिंग पूरे एरिया में, महाकाल मंदिर रिलेटेड है शनि मंदिर से और शिव मंदिर से। धान काटने का काम जोर शोर से है और महाकाल मंदिर जो है वो मेरी दीदी के घर से कम 2 किलोमीटर की दूरी में है। हम शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे, सड़क से होकर ना जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी जगह है ये और यहाँ के लोगों की मेहनत जो है वो खेतों में दिख रही है, कितना हार्ड वर्क है यहाँ पर। ये देखिए हम गाँव के बीच से जा रहे हैं और रास्ता तो आप देख सकते हैं, आजकल आपको ट्रेडिशनल जो पुराने घर होते हैं वो कहीं नहीं दिखेंगे, लेकिन सडनली मेरी किस्मत है कि मुझे दिखाई दिए घर। मैं आपको दिखाती हूँ कि पुराने जमाने में घर कैसे हुआ करते थे। ये देखिए मिट्टी के घर होते थे, एक घर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 कमरे होते थे, एक नीचे और एक अपर, और साइड में छोटा सा किचन और ये बीच में बाबा जी का मंदिर। ये ऐसे घर हुआ करते थे पहले के समय। अब तो आपको हर जगह, इसके पीछे भी पुराना घर ही है, पक्के घर ही मिलेंगे, लेंटर वाले घर ही मिलेंगे, टीन वाले मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे कोई घर दिखाई देगा और मुझे एलो करते हैं वो कि आप वीडियो बना सकते हो, तो मैं आपको पक्का अब कच्चा घर जो है अंदर से कैसे दिखता है मैं ज़रूर दिखाऊँगी। ये देखिए ये भी कच्चा घर है, लेकिन इसमें अलग बात है कि इन्होंने ऊपर जो छत पर है टीन डाली है। अभी हमें बहुत दूर जाना है तो मैं आपको रास्ता दिखाती जाऊंगी। एंजॉय करिए आप हरियाली हिमाचल की। और हाँ, मुझे बताइएगा ज़रूर कि मैंने पिछली वीडियो में जो पहाड़ी बोली थी आपको अच्छी लगी, तो मैं पहाड़ी में ही कंटिन्यू करूंगी अपनी वीडियो, अदरवाइज़ हिंदी में, ठीक है। ये देखिए आप मक्की के पौधे, और यहाँ बहुत बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर लोगों के पुराने घर दिख रहे हैं। हमारे साइड तो आपको कोई भी पुराना घर नहीं दिखेगा। बस बस नीचे गिर जाएगा। और ये आ गए हम प्लेन एरिया में, रास्ता तो कच्चा ही है लेकिन आप देख सकते हो कि जहाँ तक नज़र पड़ रही है धान ही धान है और लोगों की कटाई जो है वो आधी हो चुकी है। मैं आगे से दिखाती हूँ आपको, एक कच्चा घर और है रास्ते में लेकिन लगता है काफ़ी समय से पुराना है, यहाँ में लोग नहीं रहते हैं और ये गिरने की हालत में है। देखिए आप कितनी सारी ज़मीन है और सारी ज़मीन में धान ही धान दिखेंगे आपको। अगर आप इस वक्त यहाँ हो तो इतनी अच्छी खुशबू चली होती है इनसे कि दिल फिर से चावल खाने को हो जाता है। ये आपको मैं नज़दीक से धान दिखाती हूँ। तो हम महाकाल मार्केट में पहुंचने वाले हैं। बस महाकाल मार्केट में ही शिव मंदिर, महाकाल का मंदिर है। आप बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और इन्जॉय करें मेरे साथ मंदिर का भी और ट्रिप का भी। ये देखिए कितना कंजस्टेड है। अब हम सड़क पार करेंगे। ये यहाँ से चौबीन को रोड चला गया और ये गेट आपको दिख रहा है, ये महाकाल मंदिर का एंट्रेंस गेट है। तो इस पुल को क्रॉस करते ही आपको महाकाल का मंदिर दिख रहा है। और एक स्पेशलिटी बता देती हूँ मैं, यहाँ से ये रास्ता जो आपको दिख रहा है यहाँ ऊपर एक बॉडी है, बावड़ी है, ठीक है। अगर किसी को कुत्ते ने काटा हो तो यहाँ पर नहाने से बोलते हैं कि जो उसका रैबिज होता है उसका असर नहीं होता है और एक बार यहाँ पर आकर नहाना जरूर चाहिए। और उस बावड़ी का नाम है कुत बॉडी। तो ये आपको सामने शमशान दिख रहे हैं, इसकी भी स्पेशलिटी है कि यहाँ को शाम को हमेशा वो घास होता है ना, वो घास जलाना पड़ता है।
क्योंकि यहाँ पर मान्यता है कि डेड बॉडी का जलना डेली जो था वो मान्य था, तो इसलिए जब कभी डेड बॉडी नहीं आती है तो यहाँ पर घास को जलाया जाता है शाम को। ये सामने मंदिर है महाकाल का, बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध मंदिर है। जब सावन के सोमवार होते हैं उसके बाद यहाँ पर शनिवार लगते हैं, शनिवार के मेले होते हैं। ये जो जितनी भी जगह दिख रही है आपको, ये सारी मेलों से दुकानों से भरी होती है, लेकिन कोरोना के समय में यहाँ पर मेले वगैरह बंद हो गए हैं। और इसका असर आप मंदिर में भी देख सकते हैं कि लोग आपको नहीं दिखेंगे मंदिर के अंदर, अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। मंदिर की घंटी को भी ढक दिया है कपड़े से ताकि कोई इन्फेक्टेड पर्सन ना छू पाए। और मंदिर में जो है वो आप ये पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन स्पेशल लिखी हुई है कोरोना के समय, इसका कोरोना का प्रभाव आप मंदिरों में भी देख सकते हैं। ए अंकल इतु दे चौकीदार न, और इन्हें इंस्ट्रक्शन दसी है कि किसी भी चीज़ जाने बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बस दूर से ही चीज़ों को देखना है, दूर से ही पूजा करनी है और किसी भी चीज़ को टच नहीं करनी है। ये एंट्रेंस है, हम यहाँ से जाएंगे और ये सामने मंदिर है। अब मैं पहाड़ी में बात करूँगी यहाँ के लोकल लैंग्वेज में। ये आप देख सकते हो, एक समय था यहाँ पर इतनी भीड़ होती थी। अच्छा, अब हमें यहाँ अपनी एंट्री दर्ज करवानी पड़ेगी तभी हम मंदिर के अंदर एंटर हो सकते हैं। चलो चलो आगे चलो। एक कुण वाला पेड़ लगाया अंकल जी? अच्छा रुद्राक्ष, ये आप देख सकते हैं रुद्राक्ष का पेड़ लगा है सामने। और ये कुंड है, क्या क्या नाम अंकल जी कुंडा दे जोर ने बोलो। अब मैं आपको कुंडों के नाम बताऊंगी, क्या नाम अंकल जी दा? ये ब्रह्म कुंड है, ये विष्णु कुंड, ये सरस्वती कुंड, सती सती ओ सॉरी सती कुंड, सती। आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो मैंने आपको बताया कि सती किसको कहा जाता है, और ये है शिव कुंड। आप देख सकते हो कि मंदिर कितना सुंदर है। यहाँ पे सभी देवताओं के मंदिर बने हैं। ये सामने आपको दिख रहा है ये स्नान कुंड है, जब यहाँ शनि के बार लगते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग स्नान के लिए आते हैं। अब मैं आपको शनि मंदिर में ले चलती हूँ। ये शनि देव की शिला है, यहाँ पर तेल वगैरह चढ़ाया जाता है। आजकल सब कुछ बंद है इस कोरोना की वजह से। ये शनि देव की मूर्ति है यहाँ, और यहाँ स्पेशल चीज़ ये है कि ये है ये 12 खंभों पर खड़ा है, और 12 खंभे जो हैं 12 राशियों के अनुसार हैं। हर राशि का व्यक्ति जो होता है वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए धागे लगाता है, और जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो यहाँ पर आगे आके धागे खोले जाते हैं। ये अंकल जी हैं यहाँ के चौकीदार, ये हमें बता रहे हैं सब कुछ। और हमें 6 बजे से पहले ही यहाँ घूमना है और यहाँ से निकलना है, क्योंकि 6 बजे जो है पुजारी आएंगे मंदिर के, मंदिर के गेट बंद हो जाएंगे और आरती होगी उस समय। ये महाकाल मंदिर की यज्ञशाला है। इन खंभों में आपको नाम लिखे हुए दिख रहे होंगे, तो ये नाम जो है जब भी हवन होता है तो इन नामों को लेकर जो है आहुतियां दी जाती हैं, ये जितने भी नाम दिए गए हैं। ये है इस मंदिर का महाकाल मंदिर। ये दर्शन कीजिए आप, ये दुर्गा माता जी का मंदिर है, लेकिन हम ना मूर्तियों को छू सकते हैं ना मंदिर के अंदर जा सकते हैं। ये स्नान कुंड ये हैं, यहाँ पे जो जेंट्स मेल हैं वो नहाते हैं, और अंदर जो है लेडीज़ के लिए बनाए गए हैं अलग अलग से। अगर कभी मौका मिले तो इस मंदिर में ज़रूर आएं, ये बहुत ही फेमस मंदिर है और बहुत ही सुंदर मंदिर है।
लंगर भवन है, यहाँ पर कोरोना से पहले हर शनिवार को लंगर की व्यवस्था होती थी, लेकिन जब से कोरोना है तब से यहाँ पे लंगर बंद हैं। ये देख सकते हो आज की ताज़ा राख है, पता नहीं किसकी डेथ हुई थी यहाँ। अगर आप महाकाल पहली बार आएँ तो मैं बता दूँ, लंगर जो होता है वो मंदिर के अंदर नहीं होता है, आप मंदिर से इन सीढ़ियों से होकर आएंगे और ये रास्ता जो है ऊपर जाता है, और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये लंगर भवन है, यहाँ पे जाके लंगर होता है। ये यहाँ से आप मंदिर के संपूर्ण दर्शन कीजिए। तो प्लीज़ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी करिए, और हाँ प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए मेरी वीडियोस को। भगवान आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, आप सभी स्वस्थ रहें और साथ में हम भी स्वस्थ रहें, ताकि मैं आपको और भी वीडियोस दिखा सकूं हिमाचल कल्चर के बारे में, हिमाचल के मंदिरों के बारे में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब वंस अगेन।